यहाँ से हो गया है खाताखेड़ी मार्केट स्टार्ट। सो ये गलियाँ हैं, ये खाताखेड़ी की गलियाँ हैं। अगर आपको सोफ़ा चाहिए, सोफ़ा सेट चाहिए, बेड चाहिए, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी एंड इवन इंटरनेशनल डिलीवरी के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब गाइस, होप करता हूं सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो गाइस आगे फिर से एक न्यू वीडियो लेके, तो ये है अपना सहारनपुर। तो आज थोड़ा सा बस लोकल वीडियो, नॉर्मल वीडियो बना रहा हूं मैं, तो नथिंग स्पेशल, बट दिखाता हूं मैं आपको कि सहारनपुर किस चीज़ के लिए फेमस है एंड थोड़ा बहुत सहारनपुर के बारे में भी बताता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। तो एक्चुअली सहारनपुर एक ऐसी सिटी है जिसको वुडन सिटी का नाम दिया गया है। एंड वुडन सिटी, वाई वुडन सिटी, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस सबसे ज़्यादा टिम्बर बिकता है आप देखो, एंड पूरा वर्ल्ड वाइड यहाँ का टिम्बर जाता है। आप ये पूरा देख सकते हो यहाँ पे टिम्बर, मतलब ये लकड़ियाँ एंड फर्नीचर, सबसे ज़्यादा वायरल फर्नीचर पूरे ऑल ओवर इंडिया में सहारनपुर का जाता है। तो हम रहते हैं वुडन सिटी में, तो ये है कुछ सहारनपुर अपना। एंड भीड़ भाड़ पूरा ज़्यादा एंड थोड़ी सी धूल मिट्टी धूल मिट्टी तो यार ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लकड़ियों का, एंड वो लकड़ियों का जो बारूदा उड़ता है वो सब है। तो आप देखो कितनी क्वांटिटी में लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, एंड आप यकीन नहीं करोगे ये जितनी भी लकड़ियाँ हैं ये मतलब पैसों के मामले में तो CR से ऊपर ही ऊपर हैं सब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं। ये जो लकड़ियाँ हैं ये सब है सागवान, मतलब टीक वुड, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस वुड है और उसकी फर्नीचर ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आज हम लेके घूम रहे हैं बिनेली सहारनपुर में, तेल तो है नहीं इसमें फिर भी लेके घूम रहे हैं, एंड थोड़े बहुत पब्लिक रिएक्शन भी कैप्चर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन आते हैं। सो ये कुछ है, तो मैं आपको लेके जाऊँगा मेन मार्केट में वुडन सिटी के, जो कि है खाताखेड़ी। सहारनपुर का मेन मार्केट है खाताखेड़ी, एंड आप सब हमारा वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, इवन हमारा भी एक ये बिजनेस है ऑनलाइन इंडिया मार्ट पे, हमारा वेबसाइट है रूही एंटी क्राफ्ट करके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो आप चेक कर सकते हो, उसमें एंटिक फर्नीचर्स एंड सब डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएंगी। अगर आपको सोफ़ा चाहिए, सोफ़ा सेट चाहिए, बेड चाहिए, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी एंड इवन इंटरनेशनल डिलीवरी के साथ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस किस टाइप के फर्नीचर आपको मिल जाएंगे। सो रूही हैंडीक्राफ्ट हमारा ब्रांड कंपनी नेम, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ है सहारनपुर का एरिया, इलाका, तो सहारनपुर के अंदर ही हैं हम। तो मैं आपको दिखाऊंगा खाताखेड़ी मार्केट, जो कि मेन मार्केट मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर आप देख सकोगे कि फर्नीचर कैसे कैसे हैं एंड कैसे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बहुत लाजवाब हैं, एंड ऑल एवरीथिंग इज़ हलाल हियर, क्योंकि पूरा मुस्लिम एरिया है ऑलमोस्ट 90% या मे भी ज़्यादा ही या फिर कम भी, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, मैं भी न्यू ही हूँ। तो जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत, मैं वो आपको नाम बता सकता हूँ एरिया के। भाई चलो यार, क्या कर रहे हो, मतलब कोई वही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप इंजॉय करो, वीडियो देखते रहो आप, एंड मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा एरिया क्या है। तो अभी हम हैं, ये आई गेस मंडी रोड है, मंडी रोड आगे वाला है जो मेन है, जो हमारा घर भी वहीं से ही जाया जाता है। थोड़ी बहुत स्ट्रेच करनी भी ज़रूरी है पब्लिक रिएक्शंस। तो ये यहाँ पे मंडी है, मेन मंडी सहारनपुर की बड़े वाली। तो यहाँ पे सब ट्रक्स ही ट्रक्स दिखेंगे आपको, फल फ्रूट्स एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो यहाँ पे रेडी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये मंडी है, अंदर बहुत बड़ी मंडी है, मैं आपको अंदर से दिखा देता, बट अपने को जाना है वुडन मार्केट, जो कि मैं मेनली जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। हम आज बस वुडन मार्केट ही देखेंगे सहारनपुर का, तो चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स दूर है यहाँ से। तो ये मंडी का बड़ा गेट है, एंड ये पूरे ट्रक्स लगे हुए हैं। आप देखो जहाँ भी आप देख पाओगे ना, दूर दूर तक आपको टिम्बर दिखेगा। आप देखो पूरी बुग्गियाँ भर भर के टिम्बर जा रहा है और वुड जा रहा है।
पूरे के पूरे पूरे पेड़ के पूरे वही आते हैं, पूरे कुंदक के कुंदक ही आते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मैं तो कुंदक कुंदक ही निकल रहा है मुझ से। सो ये हमारे चौक पे, ये है मंडी चौक, मंडी चौक नहीं मतलब ऐसा ही कुछ है ये, तो अपने को जानना है राइट। सो यहाँ से राइट लेके लेफ्ट थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट 100 मीटर पे लेफ्ट लेने पे आपको मिल जाएगी खाता खेड़ी मार्केट, जो कि है वुडन मार्केट। आप देखो टिम्बर कितना जा रहा है यार, कितना बेहिसाब है, बेहिसाब गाइज, आप देखते ही चौंक जाओगे कितनी बड़ी मार्केट है। एंड पूरे सेक्टर के सेक्टर हैं, मतलब सेक्टर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि सेक्टर हैं, बट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सेक्टर हैं पूरे मार्केट में। और गली जितनी भी गली हैं सब गलियों में सब घरों में पूरा लकड़ियों का काम हो रहा है। तो ये बुग्गीज भी जा रही हैं, आप देखो ये बुग्गियाँ जा रही हैं यहाँ से, तो ये सब खाली करके आई हैं लकड़ियाँ, एंड कुछ उठाने जा रही हैं कुछ खाली करके आई हैं। सो आप देखो यहाँ से हो गया है खाताखेड़ी मार्केट स्टार्ट। तो आप जहाँ दूर दूर तक नज़र पहुँचाओगे आपको पूरा लकड़ी का सामान मिलेगा यहाँ पे, एंड फुल्ली हैंडमेड एंड हैंड कार्व्ड। तो ये पूरी कार्विंग है आप देखो, तो कार्विंग हो रखी है और बंदे लगे पड़े हैं काम में एंड सब कर रहे हैं काम। तो ये है खाताखेड़ी मार्केट जो मैं बता रहा था आपको। तो ये सब पूरा वुडन सिटी, पूरा टोटल सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सोफ़ा मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, एंड अलमीराज मिल जाएंगे, टेबल मिल जाएंगे, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग सेट्स, एंड जो भी वुडन फर्नीचर बन सकता है आपका, जो भी आप बनवा सकते हो, इवन ऑर्डर कर सकते हो आप और बनवा सकते हो। इवन यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट है ना, रूही हैंडीक्राफ्ट। तो ये आप देखो पूरा वुड एवरीथिंग देखो आप, और मतलब लगे पड़े बंदे अभी भी काम कर ही रहे हैं, तो आंखों के सामने ही बना के देते हैं। और रेडीमेड आप लेना चाहो रेडीमेड भी आपको मिल जाएगा यहीं पे। तो जहाँ तक मैं जाऊँगा आपको पूरा वुडन से मार्केट दिखाऊँगा। तो मैं सेक्टर भी बता रहा था आपको, आप यहाँ से गलियाँ स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई गलियाँ। तो आप देखो यहाँ से ये आई थिंक ये गली नंबर 7 या 8 या कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ से गली स्टार्ट हो गई अंदर तक फुल लकड़ी। तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बनेली ले रखी है एंड फ्यूल थोड़ा है कम, तो सीधा सीधा अभी घर ही जाना है। तो मैं आपको मेन मेन मार्केट दिखा रहा हूँ। तो ये है मेन खाताखेड़ी मार्केट, तो देखो आप पूरी लकड़ियों से भरा हुआ है, एंड ये सब लकड़ियों का ही काम करते हैं यहाँ पे। एंड आपको कुशनिंग ये सब दुकानें भी मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कुशनिंग भी सोफ़े पे करके देते हैं। तो कुशनिंग, गद्दा, बेड, एवरीथिंग आप देखो फाइनल हो रहा है यहाँ पे। तो आपको कुछ पिक्स भी मैं लगा दूंगा जो कि हमारी कंपनी के हैं, जिसमें हमने बनाया है अपने आप बनाया है। तो ये देखो आप यहाँ पे आपको रफ मिल जाएगा पीस रखा हुआ, ये चीज़ दिखाने के लिए होती है कि रफ पीस वुड कार्व करके रखते हैं। एंड ये सेक्टर आप देखो ये रफ कार्व करके रखते हैं, इसमें भी 4-5 प्रोसेसिंग होती हैं। एक सोफ़ा बनाने में कम से कम 4 या 5 बार प्रोसेस करना पड़ता है। पहले लकड़ी कटती है, फिर उसका एक ढांचा तैयार किया जाता है, फिर उसकी छिलाई होती है लाइक कार्विंग, एंड फिर उस पर पॉलिश, फिर पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो आप देखो सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यही है मेन खाताखेड़ी मार्केट, मैं आपको आगे तक लेके जाऊँगा। वैसे मैंने जाना है इस गली में, ये भी सेक्टर है, चलो मैं आपको यही वाला सेक्टर दिखा देता हूँ। आगे भी सेम मतलब पूरा वुडन वर्क है, तो ये पूरा मेन खाताखेड़ी मार्केट आप आ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। पर अगर आपको कोई फर्नीचर लेना हो तो आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, रूही हैंडीक्राफ्ट सर्च कर सकते हो आप गूगल पे, गूगल पे हम रजिस्टर्ड हैं, एंड इंडिया मार्ट पे आप हमारा देख सकते हो। तो आप देखो ये कितनी लकड़ियाँ जा रही हैं। तो ये पूरा काम आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ अंदर, लाइक ये भी सेक्टर है आप देखो। सो ये पूरी लकड़ी जा रही है, एंड ये भी पूरा ये फाइनल माल जा रहा है देखो आप। सो यहाँ गलियों गलियों में घरों में मतलब काम हो रहा है, ये देखो आप। सो ये देखिए आप रॉकिंग चेयर एंड टेबल, सो सब लगे पड़े हैं यहाँ पे। तो ये कुछ मार्केट आप देखो, यहाँ फर्नीचर कितना बन रहा है, OMG। सो ये गलियाँ हैं, ये खाताखेड़ी की गलियाँ हैं, तो कोई है आपको बिनली पे खाताखेड़ी की गलियाँ नहीं घुमाएगा, एंड मैं घुमा रहा हूँ। सो ये देखो आप कितने बड़े बड़े पेड़ कटे पड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सब काम हो रहा है। ओके तो मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच गया हूँ। वीडियो आई गेस थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट मुझे दिखाना था आपको खाताखेड़ी मार्केट। सो कोई बात नहीं, लंबी हो गई तो हो गई। तो यहाँ पे सब टोटल ऑलमोस्ट सब मतलब घर घर में ये काम हो रहे हैं,
फर्नीचर के, और आप ऑर्डर दोगे तो आपका भी मिल जाएगा सेम डिज़ाइन एवरीथिंग, जो भी अगर आप गूगल से भी निकालोगे ना वो भी मिल जाएगा आपको। तो हम पहुंच गए ऑलमोस्ट घर।